हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हमारा उत्तराखंड जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, स्वर्ग भूमि कहा जाता है, तो दोस्तों उत्तराखंड की धरती में ना ऋतुओं के अनुसार बहुत ज़्यादा पर्व मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो पर्व हमारी संस्कृति को उजागर रखते हुए हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और दोस्तों, पहाड़ की इन परंपराओं को कायम रखते हुए खास तौर पर जुलाई माह में हमारे उत्तराखंड में एक पर्व मनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हरेला। तो दोस्तों, आज मैं आपको हरेला की पूरी जानकारी देता हूँ कि हरेला कैसा त्यौहार है, इसमें हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो दोस्तों, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, चलिए मेरे साथ, मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ हरेले की। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे पास दो परात है और दोनों परातों में हमने मिट्टी रखी हुई है। मिट्टी है और ये पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यू जो है सुखाई जा रही है। उसके बाद से इसको एक छन्नी में रखकर छाना गया और जो इसमें मोटे मोटे पत्थर थे वो साइड किए गए और उसके बाद से जो हम पे बारीक मिट्टी बची है इसको हमने अभी अच्छे तरीके से सुखा दिया है। और शाम को जो है इसमें हम हरेला बोएंगे, तो हम आपको दिखाएंगे उसके बाद कैसे बोते हैं, क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया कि मिट्टी एक हमने परात में कलेक्ट करी थी, तो अब मैं मंदिर प्रांगण में आ गया हूँ। और अक्सर उत्तराखंड जो है देवों की भूमि है, तो यहाँ पर मंदिरों की संख्या ज़्यादातर होती है और हर एक मंदिर के पास में कोई ना कोई पेड़ होता है। तो वैसे ही हमारे इस मंदिर के जस्ट बगल में ये धामदेवल जी का मंदिर है, तो इसके जस्ट बगल में एक तिमले का वृक्ष है जिसको हम तिमिल बोलते हैं और इसकी सब्जी भी होती है। और जिसके पत्ते होते हैं उनका जो साइज होता है काफ़ी लॉन्ग होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो बहुत चीज़ों में उपयोग होता है ये। तो अभी जो हम मिट्टी हमने जो परात में रखी है, शाम को हम उस मिट्टी को एक अच्छे से किसी पॉट में कलेक्ट करके लाइक हम पत्ते से बनाएंगे उसको। तो पत्ते से बनाने के बाद हम उसमें सारी मिट्टी डाल देंगे और उसमें हम जो है हरेले का जो हमारा बीज है, जो हमारे अनाज के दाने हैं, उनको हम इसी पत्तल में बोएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे हमारे ताऊ जी के पास, जो इसकी बिनाई करके एक अच्छा सा सेप दे देते हैं पत्तों का। तो मैं उनके पास लेके चलूँगा। सर्वप्रथम मैं पत्ते तोड़ता हूँ, उसके बाद आपको लेके चलता हूँ सीधे ताऊ जी के पास और किस टाइप से इसकी बिनाई होती है वो दिखाएंगे आपको। तो मैंने आपको बताया था कि मैं ताऊ जी के पास जाऊंगा और हमें बताएंगे कि किस तरीके से बनाते हैं पूड़ा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, मैं बहुत सारे ये तिमिल के पत्ते लेके आ रहा हूँ और ये इतने बड़े बड़े पत्ते हैं जिनका उपयोग आदमी कहीं भी कर सकता है। तो हमारे ताऊ जी अभी बना रहे हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, वो प्रोसेस आप देखिए ताऊ जी को। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं इन पत्तों की खासियत। देखो, आजकल हमारा एनवायरनमेंट इतना ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है सब डिस्पोजल की वजह से, तो हमें उसके लिए ये उपयोग करना चाहिए। इनके बहुत अच्छे डांगो बन सकते हैं, बहुत बढ़िया पत्तल बन सकते हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड, हमारे भारत को एक स्वच्छ भारत बना सकता है, पॉल्यूशन मुक्त भारत बना सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे पास पूरा इसका बॉटम का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, ताऊ जी ने तैयार कर दिया है और अब इसको जो है फोल्ड करना होता है। तो ताऊ जी करेंगे इसको फोल्ड, हम आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो ये बनकर तैयार हो चुके हैं और शाम को इनमें अब हरेला बोया जाएगा। और किस तरीके से बोया जाएगा और क्या क्या बीज इसमें डाले जाएंगे हम आपको दिखाएंगे। तो देखो कितना बढ़िया बना है और इसमें लगभग आराम से अभी 10 किलो वेट हम उठा सकते हैं। हर एक पूड़े में 10 किलो वेट आराम से उठ सकता है। तो दोस्तों ये है अपना अतुल्य उत्तराखंड और हमारे ताऊजी भी बना रहे हैं क्योंकि ये हर किसी को नहीं आता बनाना, ये भी एक कला है और ये कला हर किसी के अंदर नहीं होती है। तो हमारे ताऊजी के पास है तो इसीलिए हम आए इनसे, हमने कहा थोड़ा सा हमारी मदद हो जाएगी और जो है हमारे कल्चर के बारे में हमारे भारतवर्ष को हमारे उत्तराखंड को पता लगेगा। जैसा कि आप देख रहे हो मैं बना के ले आया हूं पूड़े। तो दोस्तों प्रोसेस शुरू हो गई है, आप देख रहे हो कि हमने पूड़े में जो है मिट्टी डाल दी है क्योंकि कोई भी चीज़ को उगने के लिए मिट्टी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमने ये मिट्टी इन दो पूड़ों में डाल दिया है जो हमने बॉक्सेस बना रखे हैं हरेला बोने के लिए। और दोस्तों ये उत्तराखंड का बहुत ही लोक पर्व है, सदियों से हम इसे मनाते आ रहे हैं। ये इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारे घर में अनाज का जो भंडारण होता है वो कभी कम ना हो, तो इसलिए ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। और देखिए अब ये बीज और ये हमारी ताई जी किस टाइप से डालती हैं और साथ में ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में सुख शांति समृद्धि और भुखमरी का अभाव ना, भुखमरी ना पड़े। आप देख रहे हो अभी ये कोरोना जैसी महामारी में कई जगह ऐसे हैं, कई प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर भुखमरी बहुत ज़्यादा हो रखी है। दगड़े में 5 अनाज मिलाई जानी है, अब बाबू बतानी, बाबू तुम बताओ के मिलाए जाए में। ग्यों हो गए 1, जौ हो गए 2, घुआ हो गए 3, राड हो गए 4, गोहद हो गए 5। तो दगड़े 5 इजुल बुद्धि जायो और यो सुख शांति और समृद्धि प्रतीक लछू और इके जो छू 7-8-9 दिन जतुल रखी जा, 9 दिन इके 9वां दिन काटी जायो पंडित जी का बुलावे जो हमारे कुल पुरोहित छा आवे इके काटनी और सब लोगों का आशीर्वाद देनी और मंदिरों में पूज हैं। बहुत बढ़िया धूमधाम लियो त्यौहार मनाई जा दगड़ियो हमारे उत्तराखंड लोक पर्व। तो दोस्तों आपको उत्तराखंड का एक खास पर्व हरेला कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों अभी मेरी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो रखी है क्योंकि इसका आधा ही पार्ट बना हुआ है, आधा पार्ट मैं आप तक जल्दी पहुंचाता हूं। तो तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जो सामने बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएँ जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय पावन पहाड़, बाय।